नमस्कार, मैं हूं आदित्य यादव और आप देख रहे हैं एनजी न्यूज चुनाव यात्रा। एनजी न्यूज चुनाव यात्रा के प्रायोजक हैं लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ एवं लक्ष्य हॉस्पिटल कायमगंज। हमारी चुनाव यात्रा काफी दिनों से चल रही है। आज मैं आ गया हूं फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर। फिरोजाबाद लोकसभा सीट के शहर सिकोहाबाद में मैं मौजूद हूँ। यहाँ के मुद्दे क्या हैं, यहाँ कितना विकास कार्य हुआ है, इन्हीं सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं फिरोजाबाद लोकसभा सीट का आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं, क्योंकि फिरोजाबाद जो सीट है वो आजकल सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में फिरोजाबाद लोकसभा सीट है, क्योंकि यहाँ पर चाचा शिवपाल सिंह यादव एक तरफ हैं तो दूसरी तरफ उनके भतीजे अक्षय यादव समाजवादी पार्टी से ताल ठोक रहे हैं। वहीं शिवपाल सिंह यादव की यदि मैं बात करूं तो पिछले कुछ दिनों में उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। उस पार्टी से उन्होंने आज नामांकन कर दिया है यहाँ पर। और यदि मैं अक्षय यादव की बात करूं तो अक्षय यादव ने कल यहाँ पर समाजवादी पार्टी से नामांकन किया है। 2014 की यदि हम बात करें मोदी लहर की, तो मोदी लहर में समाजवादी पार्टी से यहाँ के सांसद चुने गए अक्षय यादव। ये फिरोजाबाद को यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है। तमाम यहाँ विकास कार्य करने के दावे भी किए जा रहे हैं। अक्षय यादव द्वारा भी लगातार तमाम दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर लगातार विकास कार्य किया गया है। लेकिन फिरोजाबाद जिले की जनता और सिकोहाबाद क्षेत्र की जनता, क्योंकि मैं सिकोहाबाद में यहाँ मौजूद हूँ, तो आइए हम उस पर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग जुड़ेंगे अभी, लेकिन उससे पहले मैं सिकोहाबाद को आपका इतिहास बता देता हूँ। सिकोहाबाद शहर की यदि मैं बात करूं तो 1916 में यहां पर अहीर कॉलेज की स्थापना की गई थी। सिकोहाबाद क्षेत्र से यहां पर कई बड़े नेता राजनीति में आए और उन्होंने बहुत अपना लंबा एक राजनीतिक सफर बनाया। नेताजी मुलायम सिंह यादव की यदि मैं बात करूं तो नेताजी मुलायम सिंह यादव इसी सिकोहाबाद से थे और यहाँ से ही वो लगातार चुने गए। यदि हम बात करें यहाँ क्या माहौल है, तो हमारे साथ तमाम जनता यहाँ जुड़ रही है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर माहौल क्या है। हमारे साथ तमाम लोग जुड़ रहे हैं, आइए हम उनसे मुखातिब करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? उमेश जी, आप ये बताइए यहाँ का माहौल क्या है इस बार? इस बार जो वोट किया जाएगा या प्रधानमंत्री जो चुना जाएगा, वो किन चीजों को ध्यान में रखते हुए कराएगा? तो विकास के मुद्दे पर चुनेंगे। विकास के मुद्दे पर चुनेंगे। यहाँ के सांसद हैं अक्षय यादव, उन्होंने कितना विकास कार्य कराया है? विकास कराया है, यहाँ पे सड़कें हैं, नहर बनवाई है। सर, क्या नाम है आपका? जय भैया। सर, मुझे आप ये बताइए यहाँ के मुद्दे क्या है? देश का मुद्दा विकास तो सभी का है। इस बार जो प्रधानमंत्री चुना जाएगा तो वो किस आधार पर चुना जाएगा? जनता को विकास पे दिखना चाहिए, कौन भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है, मोदी सरकार सही चला है, नई पीढ़ी को हर एक को ये दिखना चाहिए। मतलब भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होनी चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र। सर, मुझे आप ये बताएं यहाँ के क्या मुद्दे हैं सिकोहाबाद शहर की यदि मैं बात करूँ, क्योंकि सिकोहाबाद शहर ने यहाँ कई बड़े नेता दिए हैं। तो दिए चुनने के बाद नेता चले जाते हैं या कोई विकास का कराते नहीं। तमाम नेता आए, वोट लेके चले गए, विधायक जी जो है यहाँ से चुन के मंत्री भी रहे, फिर भी उनने कोई विकास कार्य कराया नहीं, और वो जो है यहाँ से चुन के अपने दिल्ली चले जाते हैं। यहाँ तो कोई एक दूसरे पे पूरा दोष लगाते हैं, यहाँ की जनता है। अरे बर्बादी ने चोरी की, दोनों पार्टियों ने चोरी की, तो जनता की भी चोरी हो गई। अब उसका तो निर्धार क्या है? विकास राम सेवा में, और सबसे ज्यादा विकास राम प्रकाश यादव नेहरू जी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा विकास इस क्षेत्र में नगर पालिका में हुआ है। 125 करोड़ रुपया इस नगर पालिका क्षेत्र के लिए आया था, और आज की डेट में कई मोहल्ले ऐसे हैं, यादव कॉलोनी देख लीजिए आप, यहाँ आज पानी भर जाता है तो आदमी को निकलने की इतनी दिक्कत होती है कि आदमी को नाव डालने की जरूरत पड़ जाती है। सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार जी, आप ये बताइए कितना विकास कार्य हुआ है? विकास तो जैसे भी हो रहा तैसे हो रहा है, लेकिन ज्यादा विकास नहीं हो रहा है। ज्यादा विकास नहीं हो रहा है। इस बार जो वोट किया जाएगा वो किस आधार पर किया जाएगा?
प्रधानमंत्री किस आधार पर चुना जाएगा इस बार, आपको क्या लगता है? देश मतलब देश की देश आगे बढ़े और भ्रष्टाचार खत्म हो, बस यही चाहते हैं जनता को हर एक काम पे सहूलियत मिले। सर क्या नाम है आपके? समय जितना स्वच्छ भारत है, सुखावाद जितना स्वच्छ है, पूरा भारत स्वच्छ है, स्वस्थ है और भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है, गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है, मोदी जी की सरकार आनी चाहिए। सर यदि मैं बात करूं यहाँ के स्वच्छता की, तो यहाँ की नालियाँ मुझे बजबजाती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत गंदगी पड़ी हुई है, तो स्वच्छता तो मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। डेली सफाई हो रही है, डेली सफाई हो रही है। एक्चुअली लोगों की आदत है, उसमें कूड़ा डाल देते हैं। चेयरमैन साहब डेली यहाँ पे घूमते हैं, वॉर्ड वॉकिंग करते हैं, डेली घूमते हैं, लेकिन लोगों की आदत है कूड़ा डाल देते। सर क्या नाम है आपका? शिवपाल सिंह जी। आप ये मुझे ये बताएं यहाँ के मुद्दे क्या है? मुद्दे तो यहाँ बहुत हैं पर मुद्दे उठाने वाला कोई नहीं। यहाँ के मुद्दे जनता के बहुत रहे पर कोई हमें संसद में नहीं ले गया, क्योंकि हमारा एक ऐसा सांसद मिला जो पहली बार शपथ ग्रहण करने गया, उसके बाद आज तक वो। चलिए सर क्या नाम है आपका? हम नहीं बोल पाएंगे। अच्छा आप नहीं बोल पाएंगे, आप बोलेंगे? आप मुझे ये बताइए यहाँ कितना विकास कार्य हुआ है, यहाँ की सड़कें कैसी हैं, यहाँ की सड़कें कैसी हैं? यहाँ की जो सड़कें पहले बनी थी वही सड़कें हैं, जो हमारी समाजवादी पार्टी के कारण बनी थी वही सड़कें हैं। आज तक जो सुखवादी विधायक बने वर्मा जी, आज तक उनने कोई विकास नहीं करवा पाया। अच्छा चलिए मैं आता हूँ आपके पास। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवनाथ कुमार। शिवनाथ जी आप मुझे ये बताइए कितना विकास कार्य हुआ है सुखवाद और फिरोजाबाद? सुखवाद और फिरोजाबाद की विकास की अगर बात की जाए तो यहाँ विकास के नाम पर बहुत से दावे किए जा रहे हैं, बहुत सी बातें बताई जा रही हैं, नगर पालिकाओं में बहुत से स्वच्छ सर्वेक्षण चल रहा है आपका, लेकिन अगर रियलिटी चेक किया जाए गांव में जाकर के बहुत से गांव शौच मुक्त घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी गांव की हकीकत ऐसी है जहां अभी भी 60% लोग सुबह शौच के लिए लोटा लेकर घर से बाहर निकल रहे हैं वो। अच्छा ये बताइए फिरोजाबाद ओडीएफ मुक्त हो गया क्या? फिरोजाबाद के मोस्टली बहुत से गाँव ओडीएफ मुक्त हो चुके हैं, बहुत से गाँव की बात की है, लगभग 80% गाँव ओडीएफ मुक्त है, लेकिन अगर उनमें रियलिटी चेक किया जाए, अगर गाँव में जाकर देखा जाए सुबह के शाम के माहौल में, तो लगभग आज भी 60% लोग गाँव के बाहर शौच के लिए लोटा लेकर यूज कर रहे हैं। क्या काम करते हैं? मैं यहाँ एक पैसे से प्राइवेट अध्यापक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। अच्छा प्राइवेट अध्यापक हैं आप। यहाँ मैं शिक्षा की यदि बात करूँ तो सुखवाद को शिक्षा के तौर पे हब देखा जाता है। आपका ये बीच बांधना बिल्कुल सही है। भारत में अगर उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगभग 5 तहसील आती है, उन 5 तहसीलों में सुखवाद एक शिक्षा का हब माना जाए, शिक्षा का घर माना जाए। यहाँ एक सीबीएसई बोर्ड से लेकर यूपी बोर्ड से लेकर यूनिवर्सिटी तक बात की जाए, यहाँ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुली हुई है जिसका नाम जेएस यूनिवर्सिटी है। यहाँ शिक्षा के मामले बहुत कुछ है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता की बात की जाए तो ना मात्र लिए है। अनुज जी आप ये बताएं यहाँ कितना विकास कार्य हुआ है? देखिए विकास कार्य की बात की जाए, आगे आ जाइए जी बताइए। तो विकास कार्य की बात की जाए तो विकास ठीक किया है, लेकिन जैसे आप शिक्षा की अभी बात कर रहे हैं, शिक्षा के स्तर बढ़ाने की बात हो रही है, पर मुझे फिरोजाबाद को अब कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह बहुत हैं, लेकिन एक मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज जैसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि बच्चे को आगे पढ़ने के बाद रोजगार भी मिले, ऐसी शिक्षा शायद नहीं सोचता कि मैं यहाँ है। सर क्या नाम है आपका? जी आशुतोष नाम। आशुतोष जी आप मुझे ये बताइए इस बार का जो चुनाव होगा वो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता प्रधानमंत्री को चुनेगी? देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं, बताइए मुद्दे। सबसे पहला मुद्दा जो है वो नोटबंदी का है, दूसरा मुद्दा जो है वो जीएसटी का है, व्यापारियों में बहुत रोष है इस बात को लेकर, और तीसरा मुद्दा जो है वो यहाँ जो फिरोजाबाद की बात करें तो एक मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूँ, अपनी आवाज़ को प्रदान करना चाहता हूँ, वो ब्लड बैंक की। यहाँ ब्लड बैंक की बहुत कमी है, यहाँ जो भी व्यक्ति जो भी मरीज जिसको ब्लड की आवश्यकता होती है, 100 सैया संयुक्त चिकित्सालय है यहाँ पर, लेकिन ब्लड बैंक की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ब्लड की किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो सीधे आगरा जाता है। तो आज मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, आप मुझे ये बताइए यहाँ चाचा और भतीजे की टक्कर है, दोनों आमने सामने हैं, ऐसे में जनता का मूड क्या बनेगा? जनता केवल यहाँ की अब विकास चाहती है, चाहे चाचा हो या भतीजा हो, केवल विकास के मुद्दों पर वोट दिया जाएगा और विकास की ही बात होगी। अच्छा विकास की ही बात होगी, यहाँ विकास के आधार पर ही वोट दिया जाएगा। हमारे साथ और भी तमाम लोग मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? रोहित यादव। रोहित जी आप ये मुझे बताइए क्या कहना चाहते हैं? आप तो बहुत ही कम उम्र के, वोट बन गया आपका? वोट बन गया हमारा। अच्छा कितनी उम्र है आपकी?
हमारी 18 साल उम्र है। अच्छा 18 साल उम्र होगी, आप पहली बार वोट करेंगे क्या? हाँ, हम पहली बार वोट। आप ये बताइए किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप वोट करेंगे पहली बार? मैं देश की भुखमरी, देश की गरीबी, देश की बेरोजगारी को देखते हुए मतदान करेंगे और हम ऐसे व्यक्ति को मतदान करेंगे जो इस देश का, इस जिले का नेतृत्व अच्छी तरह से कर सके और इस देश की गरीब भुखमरी को दूर करने का प्रयास करें और हर संभव जनता की मदद करने का और जनता के बीच में रहने का। अरे क्या बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया बात कही। हमारे साथ और भी तमाम लोग मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? अच्छा क्या नाम है? कृष्णदत्त। कृष्णदत्त जी आप क्या काम करते हैं? अच्छा आप किसान हैं। आप मुझे ये बताइए, योगी जी द्वारा ये कहा जा रहा है कि 2000 रुपए किसानों को दिए जा रहे हैं, किसानों की एक सेकेंड, किसानों की जो जीवन यापन है वो अच्छा होगा, तो आपको मिले या नहीं? नहीं मिले हमको। क्या पूरे गांव में 2-4 आदमी मिले? अच्छा, पूरे गांव में 2-4 आदमी कोई मिले सर? अच्छा तो क्या सोचते हैं आपको, अभी मिले या नहीं मिले? नहीं मिले। मिले हमको तो मिले हमें दो पूरे गाँव में। गाँव में कितने लोगों को मिले? 2-4 लोगों को। अच्छा ये बताइए, आवारा पशु बहुत बहुतायत में छोड़े हुए थे, किसानों की जो जमीन थी वो बर्बाद कर दी, उसका असर पड़ा है क्या आपके जीवन पर? जब फसल नष्ट होगी तो असर कितना पड़ेगा? जब फसल नष्ट होगी तो असर मतलब हमारे किसान में पड़ेगा कि मतलब पशुओं पड़ेगा? अच्छा आपकी जमीन को भी, आपके जो फसल थी उसको खाया क्या आवारा पशुओं ने? हाँ जी खाया। अच्छा सर क्या नाम है आपका? संतोष जी। आप मुझे ये बताइए 2019 का जो चुनाव होगा वो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए होगा? हमारा सांसद शिक्षित हो, हमारी आवाज उठाए संसद में जाके। यहाँ के सांसद हैं अक्षय यादव, क्या उन्होंने विकास कार्य कराया या नहीं? कुछ भी नहीं कराया संसद में जाकर, केवल एक ही क्वेश्चन उठा पाए, कोई पर्चा फाड़ के चले आए। उनका कहना है कि जेड़ा जाल परियोजना हमने यहाँ पे दी, फिरोजाबाद जनपद के लिए दी। उनका ये भी कहना है कि हमने महिला अस्पताल भी बनवाया है। आप देखिए वो तो फॉर्मेलिटी के लिए बनवाया गया, उसमें कोई सुविधा ही नहीं। अच्छा बताया जा रहा सिरसागंज को यहाँ नई तहसील दी है? हाँ वो तो बोला। अच्छा इनको पता नहीं है सिरसागंज को नई तहसील उन्होंने बताया कि दिया गया। अच्छा यहाँ और कोई किसान मौजूद है क्या? यहाँ और कोई किसान मौजूद है? किसानी में आपके पास आ गया हम। सर क्या नाम है आपका? सुनील कुमार जी। आप मुझे ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप? कितना विकास कार्य हुआ है? कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, जो ही वोट दिया विकास के मुद्दे पर वोट दिया। अच्छा विकास के मुद्दों पर वोट करेंगे और ऐसा सांसद चुना है जो हमारी संसद में आवाज उठा सके। अच्छा ये बताइए प्रधानमंत्री का चेहरा आपकी, आप किसको ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे? हम प्रधानमंत्री को वोट चुनेंगे जो हमारा विकास करा सके। अच्छा आपका विकास करा सके। यहाँ और भी हमारे साथ तमाम लोग मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? ऋषि शर्मा जी। आप मुझे ये बताएं, ऋषि शर्मा जी आप मुझे ये बताएं यहाँ कितना विकास कार्य हुआ है? विकास तो हुआ है। क्या क्या विकास हुआ है? विकास ये हुआ है कि हमारे यहाँ पर जिन लोगों की जमीनें जब हो जाती थी कब्जा कर लेते वो कब्जे मुक्त हुए हैं और सर काफी और भी विकास हुआ है। अच्छा ये बताइए यहाँ मेरे साथ बहुतायत में यहाँ पर युवा मौजूद हैं, मैं इनके पास जाऊँगा। सर क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार जी आप युवा हैं और एक बैग भी टांगे, क्या आप क्या काम करते हैं? सर हम अभी स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? 21 ईयर्स। अच्छा वोट बन गया? यस। वोट डालेंगे? यस। अच्छा वोट डालेंगे? यस। ये बताइए किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डालेंगे? आपको रोजगार मिला या नहीं मिला? नहीं मिला सर। तो क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में? सर ये आज मतलब कि कोई भी पार्टी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मेन दिक्कत ये है कि हमको रोजगार मिलना चाहिए और जो भी भर्ती है ना वो निष्पक्ष होना चाहिए। कुल मिला के ये हमारे साथ बहुत अयोग्य हो रहा है क्योंकि हम एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम में क्या होता है कि अंदर मतलब कुछ अलग भ्रष्टाचार चलता है। हम लोग जाते हैं अपनी मेहनत से, सर जितनी पढ़ रहा हूँ 2 साल मेहनत की हमारे संग जितने युवा वर्ग हैं तो 2 साल मेहनत की है, पर लेकिन सिलेक्शन इन बच्चों का हो रहा है मोस्टली क्योंकि हमें कोई अंतर की नहीं मिल रही है, हम एग्जाम देने जाने कोई अंतर की नहीं मिल रही, हमारे पास कोई सबूत नहीं होता। अच्छा तो इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप वोट करेंगे। मेरे साथ यहाँ एक बगल में एक पान की दुकान है, आगे से हट जाइए, यहाँ एक पान की दुकान है और एक हमारे बुजुर्ग हैं। सर क्या नाम है आपका? आप भाई साहब एक मिनट में आऊंगा आपके पास, आपके पास में आऊंगा, एक मिनट रुकिए आपको मौका दूंगा। आप ये बताइए सर क्या मुद्दे रहेंगे इस बार व्यापारियों के लिए? मुद्दा सीधा यहाँ पर मुद्दा सीधा मोदी का है,
अच्छा मोदी को वोट देंगे? सीधा सीधा मुद्दा है। अच्छा क्या क्या काम कराए मोदी जी? सारे काम हो रहे हैं, अच्छे ही हो रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री भी नहीं मिल सकता किसी को। अच्छा पहली बार मिला है ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिल सकता? क्या क्या काम करा दिए? सारे काम कराए सर। काला धन वापस आ गया क्या? काला धन नहीं आया, आएगा वो तो समय लगेगा, लेकिन भांग हो रही है हर कुएं। राम मंदिर बन गया क्या? हर कुएं में भांग हो रही है, बहुत गंदगी भरी हुई है, उसका टाइम लगेगा ना। अच्छा अभी टाइम लगेगा? टाइम लगेगा ना, यानी अभी और टाइम देना चाहिए। और टाइम लगेगा तो 5 साल पर्याप्त नहीं थे क्या मोदी जी के लिए? 5 साल थे, लेकिन वो काम तो 18 साल से करना पड़ा। चलिए मैं अब इनके पास चलता हूँ। सर क्या नाम है आपका? गिरीश चंद्र यादव। अच्छा गिरीश चंद जी आप मुझे ये बताइए, ग्राम नहीं आप अच्छा किसान है, आप ये बताइए योगी जी ने एक वादा किया था कि 2000 रुपए किसानों को मिलेंगे, आपको मिले या नहीं? मुझे नहीं मिले। अच्छा तो क्या आप इस बार जो वोट डालेंगे वो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए? अच्छा सपा को वोट देंगे। यहाँ कितना विकास कार्य हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, काम बढ़िया। कुछ भी नहीं हुआ, काम बढ़िया। अच्छा कैसे 5 साल में किसी मोटर चेकिंग नहीं हुआ? चलिए अच्छी बात है। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, और सुनो सफाई जिंदाबाद रहेगी और है और रहेगी। अच्छी बात। और सुखवाद के अंदर सुखवाद जिंदाबाद। मैं चैलेंज करता हूँ, चैलेंज। ठीक है अच्छी बात। क्या नाम है आपका? अच्छा आप ये बताइए क्या वोट बना या नहीं? अभी नहीं बना। अच्छा चलिए। तो ये हमारे साथ तमाम लोग यहाँ सुखवाद से जुड़े हुए थे और सुखवाद की जनता हमारे साथ थी। यहाँ सुखवाद की जनता ने अपना अपना पक्ष रखा कि आखिर यहाँ कितना विकास कार्य हुआ है, क्या दावे रहे, क्या मुद्दे रहे। अगले कार्यक्रम में हम फिर एक और नए शहर से, नई लोकसभा से जुड़ेंगे। वहाँ के मुद्दे क्या होंगे, वहाँ के सांसद ने कितना विकास कार्य कराया, क्या मुद्दे रहेंगे, उन पर हम बात करेंगे। और अपना ANG न्यूज़ पर समर्थन और प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।